अब बारूद होगा तो आग तो लगेगी। और अचानक हीरोइन की जगह तुम आ जाओ ना तो ऐसे अजीब सा नहीं लगेगा। नाम बनते हैं रिस्क से, चूतिए बनते हैं इश्क से। यार मैं चूतिया ना बने तो साला जिंदगी में क्या बने। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का दोबारा से हमारे चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं 25 बेस्ट रोमांटिक सीरीज जो कि बॉलीवुड से ही होने वाली हैं, यानी कि सब हिंदी में होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे लिस्ट पे आते हैं। नंबर 25 पे है इट हैपेंस इन कलकत्ता, जिसको आईएमडीबी ने दिए हैं 7 out of 10। तो अगर आपको डिटेल में स्टोरी जाननी है तो आप पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। और शॉर्ट में स्टोरी है एक लड़की की जो प्यार में पड़ जाती है एक वुमनाइजर के, जो पहले भी उसका दिल तोड़ चुका है। अब वो लोग दोबारा मिलते हैं तो अब क्या होगा इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज। नंबर 24 पे है ऑकवर्ड कन्वर्सेशन विथ गर्लफ्रेंड, जो कि आईएमडीबी 7.2 के साथ है, जिसमें हमें दिखाया जाएगा ईशान और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच ऑकवर्ड कन्वर्सेशन। ऑब्वियसली तो ये एक कॉमेडी रोमांस सीरीज है, अगर आप इस तरह की सीरीज देखना पसंद करते हैं तो जरूर चेक करिए। ये कौन है, पड़ोस में रहती है, प्लेस्टेशन खेलने आती जाती रहती है। नंबर 23 पे है आईएमडीबी 7.3 के साथ दिल ही तो है, जिसमें हमें ऋत्विक नाम का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि अपनी फैमिली, जो कि एक बहुत ट्रेडिशनल फैमिली है, जो कि अपनी फैमिली का बड़ा लड़का है, इसी वजह से वो काम में इतना बिजी रहता है कि उसके लाइफ में प्यार के लिए कुछ जगह बची ही नहीं। लेकिन अब वो अपने प्यार को फैमिली में कैसे लेके आता है इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज। नंबर 22 पे है लव शॉर्ट्स, जिसे आईएमडीबी ने दी है 7.5 स्टार्स, और जिसमें हमें 6 लव स्टोरीज दिखाई जाती हैं। लीड कैरेक्टर्स डिफरेंट एज और डिफरेंट प्रोफेशन से होते हैं। तो मेरी तरफ से तो ये एक मस्ट वॉच सीरीज है रोमांस लवर्स के लिए, तो जरूर चेकआउट करें लव शॉर्ट्स। 7.5 out of 10 सेम आईएमडीबी रेटिंग्स के साथ है नंबर 21 पे रॉन्ग नंबर, जहाँ पे हमें करण दिखाया जाता है अपना लीड, जिसने एक नया फोन लिया है जो कि बहुत नया नहीं है, आपको सीरीज में पता चलेगा। उस फोन में खुशी नाम की लड़की मैसेज करती है और अब वो काफी कंफ्यूज है, तो यही से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो जरूर देखिए रॉन्ग नंबर। नंबर 20 पे है 7.7 आईएमडीबी रेटिंग्स के साथ इंदौरी इश्क, तो यहाँ पे आपको एक कपल दिखाया जाएगा जो कि 12th स्टैंडर्ड से साथ में है, और अब मेन कैरेक्टर हमारा जा रहा है नेवल एकेडमी के लिए, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के लिए इसको छोड़ देती है। तो अब ये नेवल एकेडमी वगैरह जाता ही नहीं है, कहीं घर में पड़ा रहता है, ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, मतलब पूरा देवदास वाला हाल है। क्या अब इसकी लाइफ ठीक हो पाएगी या नहीं इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज इंदौरी इश्क। शादी करोगे मुझसे? तो सेम रेटिंग एज बिफोर 7.7 आईएमडीबी के साथ नंबर 19 पे अपनी जगह बनाई है बेबाकी ने। ये एक लव ट्रायंगल है जहाँ पे टिपिकल स्टोरी हमें दिखाई जाती है, दो दोस्त एक ही लड़के से प्यार करने लगते हैं और उनका प्यार उनकी दोस्ती के बीच में आने लगता है। पर देखने लायक ये है कि किस तरीके से इन्होंने इस चीज को एग्जीक्यूट किया है, इसलिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप जाके देखें। नंबर 18 पे है 8 आईएमडीबी रेटिंग्स के साथ बैंड बाजा बारात, जहाँ पे हमें दो मेन कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो प्यार में पड़ जाते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं और अपने परिवार के आशीर्वाद के बिना ये शादी नहीं करना चाहते। तो ये डिसाइड करके बता देते हैं अपने परिवार को, जिन पे इनके परिवार का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहता। तो अब क्या इनकी शादी हो पाएगी या नहीं इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज, जो कि एक कॉमेडी रोमांस सीरीज है, तो जरूर देखिए। तो नंबर 17 पे है कमाल की सीरीज 8 आईएमडीबी रेटिंग्स के साथ नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड, जहाँ पे हमें दो बेस्ट फ्रेंड दिखाए जाते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं, बेस्टी जैसे रहते हैं, पर अब लड़का लड़की के प्यार में पड़ जाता है और लड़की वैसा नहीं सोचती ऑब्वियसली। तो क्या होगा इन दोनों की लाइफ के साथ ये देखने में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो मैं तो डेफिनेटली कहूंगा कि ये एक मस्ट वॉच है, जाकर जरूर देखिए नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड। बार बेस्ट फ्रेंड गए तूने, याद रखूंगा मैं, एक नहीं लव करता हूं मैं तानी से, बेस्ट फ्रेंड वाला। तो 16 पे 8.1 आईएमडीबी रेटिंग्स के साथ अपनी जगह बनाती है -1, जहाँ पे हमें दो लीड कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो पहले तो रिलेशनशिप में रहते हैं पर उनका ब्रेकअप हो जाता है, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से होता है, और अब वो दोनों फ्लैटमेट्स हैं, पता नहीं क्यों, हाँ वो एक छत के नीचे रह रहे हैं अपने ब्रेकअप के बाद। तो अब क्या होगा इनके साथ वही देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज। इट्स अ चॉइस, गांड में ले ले चॉइस। नंबर 15 पे है कॉमेडी रोमांस सीरीज 8.2 आईएमडीबी रेटिंग्स के साथ गर्लफ्रेंड चोर। सीरीज में हमें एक लड़का दिखाया जाता है आकाश नाम का, जो दोबारा से फ्रेंड जोन हो चुका है। जिस लड़की को वो पसंद करता है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। तो अब आकाश यानी कि अपना मेन कैरेक्टर उन दोनों का ब्रेकअप कराना चाहता है ताकि वो अपना काम निकाल सके। इसको देखने में आपको काफी मजा आएगा। नंबर 14 पे है प्योर लव स्टोरी, जिसका नाम है बारिश 8.3 आईएमडीबी रेटिंग्स के साथ, जहां पे हमें दिखाया जाता है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक कॉमन मिडिल क्लास लड़की, जो दोनों प्यार में पड़ते हैं और शादी कर लेते हैं। अब डिफरेंट
स्टेटस होने की वजह से दिक्कत तो आएंगी ही, इसी के ऊपर ये सीरीज है बारिश। नंबर 13 पे है 8.3 IMDb रेटनेस के साथ लिटिल थिंग्स, जहाँ पे हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि मॉडर्न डे में अपनी लाइफ कैसे जी रहा है उसी के बारे में स्टोरी है। हालांकि अब ये स्टोरी कोई टिपिकल लव स्टोरी नहीं है, ये लव होने के बाद की स्टोरी है, तो काफी इंटरेस्टिंग है, तो मैं एक बार तो जरूर देखने को कहूंगा। नंबर 12 पे है 8.2 IMDb रेटिंग्स के साथ कहने को तो हम सफर हैं, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड रोमांटिक सीरीज है। अब इस सीरीज में काफी सारा ड्रामा भर दिया गया है क्योंकि ये इसकी स्टोरी इस तरह है, लेकिन उसके बावजूद इसमें रोमांस काफी अच्छा दिखाया गया है। हाँ, ये कभी कभी बीच बीच में इंडियन सीरियल्स जैसे जरूर लगता है, लेकिन फिर भी एक वन टाइम वॉच तो है ही, आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 11 पे है प्लीज फाइंड अटैच्ड 8.3 IMDb रेटिंग्स के साथ, जिसका होल कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। दो ऑफिस कलीग्स हैं जो एक साथ फ्लैटमेट बनने का डिसाइड करते हैं और बाद में एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। अब ये कहानी मैंने आपको दो लाइन में बता दी है, लेकिन पूरी सीरीज काफी अच्छी बनाई गई है और ये एक कॉमेडी रोमांस सीरीज है, तो मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि एक बार तो जरूर ही देखिए। नंबर 10 पे है 8 IMDb रेटिंग्स के साथ फर्स्ट, और ये एक स्कूल लव स्टोरी है, और जैसा कि आपको नाम से समझ में आ ही गया होगा कि ये किस चीज के बारे में है, तो ये है पहले क्रश की स्टोरी, और स्कूल लव स्टोरी ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, इसीलिए ये इस नंबर पे है। तो अगर आपको स्कूल लव स्टोरी देखनी है तो ये आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। नंबर 9 पे है 8.4 IMDb रेटिंग्स के साथ चीज केक, जहाँ पे हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनका रिलेशनशिप कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा है, और एक दिन अचानक से इनके घर में एक कुत्ता जाता है जिसका ही नाम ये चीज केक रखते हैं। तो अब इस कुत्ते के आने की वजह से इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज चीज केक। 8.4 रेटिंग्स के साथ है व्हाट्स योर स्टेटस नंबर 8 पे, जहाँ पे हमें तीनों लोगों की डिफरेंट लाइफ की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे एक कमिटेड है, एक सिंगल है और एक मैरिड है। तो तीन लव स्टोरी हमें दिखाई जाती है, वो भी तीन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, तो काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है, जाके जरूर देखिए व्हाट्स योर स्टेटस। हाय एवरीवन, पसंद भी तो आनी चाहिए ना कोई, प्यार हो जाए। नंबर 7 पे है 8.8 IMDb रेटिंग्स के साथ सोलमेट्स, जहाँ पे हमें दो एक्स स्कूलमेट्स दिखाए जाते हैं जो कि एक ट्रिप पे मिलते हैं। तो ये उन स्टोरीज में से है जिसमें बाय लक दो लोग मिलते हैं और उसके बाद वो स्टोरी लव स्टोरी बनती है। तो अगर आप इस तरह की सीरीज देखना चाहते हैं तो सोलमेट्स आपके लिए बेस्ट होगी। नंबर 6 पे है परमानेंट रूममेट्स 8.6 IMDb रेटिंग्स के साथ, जहाँ पे हमें एक कपल की स्टोरी दिखाई जाती है कि कॉमेडी से भरी हुई है। अब ये कोई टिपिकल रोमांस स्टोरी नहीं है, ये थोड़ी अलग सी है और इसकी स्टोरी भी थोड़ी डिफरेंट है, और हो सकता है कि आप ये ना देखना चाहते हो, पर मेरे हिसाब से ये वन टाइम वॉच तो है ही। नंबर 5 पे है बंदिश बैंडिट्स 8.7 IMDb रेटिंग्स के साथ, जहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं दो सिंगर्स जो साथ में निकले हैं अपने आप को ढूंढने के लिए इस दुनिया में, जो कि एक बहुत ही कमाल की जर्नी होने वाली है, तो मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा आपको, तो जाके देखिए बंदिश बैंडिट्स। गाना फ्लॉप हो गया है। तुम पागल हो? नहीं, छिछोरी हूँ। ओ, किस तू? हाँ, एक्चुअली नहीं। नंबर 4 पे है कॉलेज रोमांस 8.9 रेटिंग्स के साथ, और इसके बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा। ये अच्छी बात यह है कि ये YouTube पे इसका दोनों सीजन अवेलेबल है। कहानी नाम से ही पता चलती है कॉलेज की कोई रोमांटिक कहानी है, जहाँ पे हमें तीन दोस्त दिखाए जाते हैं जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है। अब इनकी अपनी अपनी अलग लव स्टोरी रहती है, और इनकी लव स्टोरी इनके फ्रेंडशिप के बीच कैसे आती है ये भी इस सीरीज में दिखाया गया है, तो देखना ना भूलें कॉलेज रोमांस। Long distance never works. Depend करता है यार। और काफी कमाल का बनाया गया। स्टोरी दो मेन कैरेक्टर्स के अराउंड घूमती रहती है, जिनके बीच प्यार होता है, फिर हार्ट ब्रेक होता है, फिर प्यार होता है। काफी कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी है। अगर मैं स्टोरी बताने बैठूंगा तो मुझे पता है मैं स्पॉइलर दे ही दूंगा इसका, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप हिंदी रोमांटिक सीरीज देखते हैं और आपने ये नहीं देखा तो क्या देखा? जेन्युइन है योर हेट फॉर मी? मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया सो यू कुड चूज मी। मुझसे प्यार व्यार मत करने लग जाना, प्यार काफी है, मैं काफी। नंबर 2 पे है आई एम मैच्योर, जिसे IMDb ने दिए हैं 8.8 आउट ऑफ 10। अब तक तो आपने इसे देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो ये मैं बता दूं, ये एक टीनेज ड्रामा सीरीज है और ये एक स्कूल लव स्टोरी है, जिसमें रोमांस के साथ साथ आपको कॉमेडी भी भर भर के देखने को मिलती है। तो स्टोरी बताने से इसको स्पॉइल करना कोई मतलब नहीं बनेगा, तो चुपचाप जाके देख लो। डेस्परेटली प्रियंका, कौन सा फ्रेंड सर्कल? दो तो दोस्त है तेरे, सेमी सर्कल बोला कर। लॉन्डी को जब पहली बार प्यार होता है ना, तो बहुत भंड होना है। 30 ml
तो नंबर वन पे है और मैं हमेशा कहता हूँ फ्लेम्स आईएमडीबी 9.1 के साथ। और ये एक टीनेज लव स्टोरी है जो कि कोचिंग क्लासेस से शुरू होती है। अब मैं स्टोरी बता के इसको बर्बाद नहीं करना चाहता, और अगर आपने ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा, तो जरूर से जरूर देखिए फ्लेम्स। तो यही थी हमारी टॉप 25 की रोमांटिक सीरीज की लिस्ट जो कि सभी हिंदी में है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर, कमेंट। बाकी अगर लिस्ट में कहीं ऊपर नीचे है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें टॉपिक जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।